हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा एक छोटा प्रोग्राम शुरू करने वाला है, शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जो प्रोग्राम का नाम भागवत मंथन। इस प्रोग्राम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। भागवत मंथन इस जो प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में श्रीमद् भागवतम का जो विशेष विशेष श्लोक श्लोक लेके हम लोग चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। आप लोगों को सहयोगिता से हमारा ये क्षुद्र प्रयास सफल करेंगे। आज आइए हम लोग श्रीमद् भागवतम का ऊपर एक विशेष विषय वस्तु लेके चर्चा करेंगे। जो विषय वस्तु होता है कृष्ण प्राप्ति की सरल उपाय क्या है। इस बात को पुष्टि करते हुए श्रील व्यासदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में सातवां स्कंध में पहले अध्याय में 26 नंबर श्लोक में बताते हैं। तस्माद् वैर अनुबंधेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्ज्यात् कथञ्चित् इक्षते पृथक्। अर्थात तस्माद् वैर अनुबंधेन, यदि कोई व्यक्ति शत्रुता रूप लेके भय, मित्रता व किसी भी तरीका से भगवान को अनुबंधे सर्वदा स्मरण करेंगे, तो भगवान इसका किसी के ऊपर भगवान इसका द्वारा प्रभावित नहीं होते। हम लोग देखते हैं शिशुपाल भगवान को बैरी रूप भाव लेके भगवान को हमेशा स्मरण करते थे। तब शिशुपाल मृत्यु के बाद भगवान ने उनको साजीजो मुक्ति प्रदान किया। इसका मतलब यही नहीं कि हम लोग भगवान को बैरी भाव अन्य रूप लेके भगवान को स्मरण करेंगे। तो भगवान हमें यही शिक्षा देते हैं। रसामृत सिंधु ग्रंथ में श्रील रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि अनुकूलेन संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम्। अर्थात अनुकूल भाव से ही भगवान की सेवा करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। प्रतिकूलस्य वर्जनम्, प्रतिकूल भाव से नहीं है। हम लोग देखते हैं शिशुपाल प्रतिकूल भाव लेके भगवान को हमेशा स्मरण करते थे। तो प्रतिकूल भाव लेके भगवान को स्मरण करते हुए भगवान ने उनको साजीजो मुक्ति प्रदान किया। हमें यदि अनुकूल रूप से भगवान का सेवा करेंगे तो भगवान हमें क्या नहीं देंगे, भगवान सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए आइए हम लोग एक साथ में अनुकूल रूप से भगवान का सेवा करते हुए हमारे मनुष्य जीवन को सफल करेंगे, जिससे साधु गुरु गौरांग श्रील प्रभुपाद खुश होंगे, साथ साथ भगवान कृष्ण खुश होंगे, हमारे मनुष्य जीवन को सफल बनेंगे। हरे कृष्ण।